कुछ जी, आपके द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि चंदौली पुलिस और प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा आपको आपकी हत्या कराई जा सकती है और इसमें झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है, इसका क्या मामला देखो, है? इसका मामला सीधा सीधा है। राम बिहारी चौबे जी को आप देख लीजिए, वो मेरी बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं। कौन? प्रदेश अध्यक्ष जी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मेरी बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। चुनाव हार जीत तो अपने जगह की चीज है। कौन कौन ऐसा प्रमोद व्यक्ति तिवारी जी जो बैठ करके मेरे खिलाफ है? मुकदमा करा सकते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी हत्या भी कराई जा सकती है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं सपा के तले लड़ा था और भाजपा की उस समय सरकार थी, आप भी अविश्वास प्रस्ताव ला कर ही प्रमुखी हासिल की थी, जी तो क्या उस समय भी आप भाजपा को पैसा ही देकर कुर्सी नहीं, हासिल जब की जी थी? नहीं, कैसे आपको मिला था? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे पक्ष में थे, कोई उस समय भाजपा का कोई सहयोग आपके सहयोग पास? मुझको नहीं मिला था। तो न मैं किसी नेता के यहाँ मैं गया था, न मैं कभी कहीं आज तक जाता हूँ किसी नेता के यहाँ नहीं जाता हूँ भाजपा के। प्रमोद अब कैसे बात आ गई कि 50 लाख की आपकी डिमांड की गई? और तिवारी जी मुझको बुलाए, मुझको लेकर दिल्ली भी गए 2 बार, किसके पास? प्रदेश अध्यक्ष जी के पास। तो चलिए मिल लीजिए, आप पार्टी ज्वाइन करिए। मैंने कहा पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, जहां हूं मैं वहां पड़ा रहूंगा। कई बार मुझको कार्यक्रमों में बुलाया गया कि आप आइए, मैं नहीं गया। एक बार पक्का पुल का उद्घाटन करने गए थे प्रदेश अध्यक्ष जी, संजोग से मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। मंच पर प्रमोद तिवारी जी ने मेरा नाम बुलवाया, मैंने कहा मैं मंच पर नहीं जाऊंगा, मैं चला अपने घर चला आया। आप ऐसा कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हमारी हत्या करा सकते हैं, ऐसा कैसे आपको लग रहा है? वो तो प्रदेश कोई अध्यक्ष जी उनकी के छवि सा एकदम साफ छवि के व्यक्ति प्रदेश हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के सारे कार्यों को प्रमोद तिवारी देखते हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना सलाहकार नियुक्त कर रखा है। अगर उनका सलाहकार मेरे खिलाफ एससी एसटी एक्ट और फर्जी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा सकता है, तो मेरी हत्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका सीधा सीधा प्रमाण राम बिहारी चौबे के आप लोग देख सकते हैं।